दोस्तों आज की रेसिपी में हम सीखेंगे मछली के अंडे घर पर किस तरह से बनाएं आसान तरीके से। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं मछली का अंडा ली हूँ, इसको अच्छे से धो करके साफ़ कर ली हूँ। दोस्तों इसमें बिल्कुल कुछ भी मतलब जो कचरे होते हैं वो बिल्कुल नहीं है। इसको बनाने के लिए यहाँ पे हरा धनिया ली हूँ और हरी मिर्च ली हूँ, इसको धो करके साफ़ कर ली हूँ। लहसुन ली हूँ, छील ली हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम पीसेंगे। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी को बजाना ना भूलिएगा। दोस्तों इसका हम एक बारीक पेस्ट बनाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं उसका बारीक पेस्ट मैं बना ली हूँ। तो हम आगे चलते हैं। तो इसमें हम डालेंगे नमक एक चम्मच या स्वाद के अनुसार आप डालें। उसके बाद दोस्तों बड़े बर्तन में हम डालेंगे मछली के अंडे और इसमें हम जो पेस्ट बना के रखे हैं वो डाल देंगे। ये देखिए इन सबको अच्छे से फेंटेंगे। दोस्तों अगर आपको इतना ज़्यादा मिर्च नहीं डालना है तो आप इस जगह पे हरा धनिया को भी पीस सकते हैं साथ में। और यहाँ पे हरी मिर्च मैं तीखा इसको बना रही हूँ इसलिए इसमें हरा धनिया मैं नहीं पीसी हूँ। मैं ऊपर से हरा धनिया को डालूंगी। इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताऊंगी मछली के अंडे और किस तरीके से बनाए जाते हैं, अलग तरीके का मैं आप वीडियो लेकर के आऊंगी। अब इसमें हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने के बाद दोस्तों अच्छे से इसमें हम दो हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च भुनने के बाद दोस्तों इसमें हम डाल देंगे अपना मछली का अंडा जो है, अच्छे से इसको हम तेल में भूनेंगे। दोस्तों इसमें हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, हल्दी मसाले वगैरह कुछ नहीं, पूरा सिंपल आप घर पे बना सकते हो। इसको हम ढक देंगे, दो मिनट पकाएंगे। दो मिनट हो गया दोस्तों, आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से हमारा मछली का अंडा बन गया है। ये देखिए एक तरफ अच्छे से लाल हो गया है, हमें इसको थोड़ा सा लाल करना है, इससे अगर स्वाद बहुत अच्छा आएगा। देखिए इसको अच्छे से मिला देंगे। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों ये बन गया है। इसको हम गैस की आंच बंद करके हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद दोस्तों इसको भी हम अच्छे से पूरा मिला लेंगे। दोस्तों अगर आप हरा धनिया पीसोगे तो ऊपर से डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो ये रहा दोस्तों बन गया, अब इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों आप भी बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको रेसिपी कैसा लगा।